हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर एसीबी की बालातोरा में बड़ी कार्यवाही। कालूड़ी पटवार सर्कल का पटवारी 5,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पटवारी सुजाराम मेघावल को किया गिरफ्तार। एसीबी सीआई मुकंदन मई टीम ने की कार्यवाही। जसोल फांटे के पास कार्यवाही को दिया अंजाम। बाड़मेर एसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बालोतरा के कालूड़ी सर्कल में पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जसोल उप तहसील के पास मुख्य सड़क पर रिश्वत लेते हुए पटवारी सुजाराम को ट्रैप किया है। परिवादी बालकराम ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके द्वारा हाल ही में जमीन खरीदी थी, जिसका म्यूटेशन भरवाने को लेकर पटवारी के पास गया था, तो पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत देना नहीं चाहता हूं, जिस पर एसीबी ने सत्यापन करवाने के बाद आज कार्रवाई को अंजाम देते हुए जसोल फांटे के पास रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी सीआई मुकंदान ने बताया कि पटवारी सुजाराम को गिरफ्तार करने के बाद कागजी कार्रवाई की जा रही है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर एसीबी मुकंदान सीआई इन्होंने ये कहा, आज कार्रवाई ये कालोड़ी ग्राम पंचायत के पटवारी है सुजाराम, इनकी एक कंप्लेंट पेश की थी बालकाराम ने, जिसमें उसने बताया कि मेरे से म्यूटेशन कराने को, उसने कुछ जमीन खरीदी किसी से और कि म्यूटेशन पटवारी कह रहा है कि तभी कराऊंगा उसमें जब मेरे को 5,000 रुपये ला के दोगे। तो उसने हमें शिकायत दी कि मैं मेरे जायज़ काम के लिए मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। वे हमने प्रार्थना पत्र लेके उसमें सत्यापन आज करवाया गया और उसके बाद में अभी 5,000 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया उसको और कार्रवाई जारी है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।